भाई मच्छरों ने बड़ा परेशान कर रखा है। मुझे नहीं पता आप कितने वाकिफ हैं इनकी हरकतों से, लेकिन मैं तो बड़ा परेशान हूँ। पहले के मच्छर थोड़े संस्कारी हुआ करते थे हमारे देश के, आते थे कान में हल्की सी मीठी सी शहनाई बजाते थे और फिर आसानी से थोड़ा बहुत खून लेके उड़ जाते थे। अब आते हैं क्विंटल के भाव में और शरीर से सारा खून चूस लेते हैं। भाई एक जमाना था जब हीमोग्लोबिन मेरा अच्छा खासा हुआ करता था, मुझे लगता है 3 ग्राम मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है जब से मच्छरों ने अपना जो है IPL खेलना शुरू कर दिया है। इसमें कई प्रकार के मच्छर हैं। एक सबसे बड़ा वाला मच्छर, वो थोड़ा आलसी होता है, वो आपको काटने के पहले अगर आपको दिख जाए तो आप उसे आसानी से मार सकते हैं। इनमें से एक होता है जो मीडियम साइज़ का मच्छर होता है, वो थोड़ा सा होशियार होता है, उसमें दिमाग होता है, वो काटता भी है और थोड़ी देर बैठ के उड़ भी जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। जब वो उड़ जाता है तो दर्द होता है। लेकिन इसमें सबसे बदमाश है जो सबसे छोटा मच्छर है, वो जब काटता है तो 1 घंटे तक उसका असर रहता है, पूरे शरीर में खुजली होती रहती है और खुजली होते होते ऐसा लगता है कि मेरी चमड़ी उखड़ जाएगी, लेकिन उसका जो काटा हुआ जहर है वो जाता नहीं मेरे शरीर से। और अगर आप उसको खोजोगे भी तो मिलेगा नहीं। तो भाई यहाँ पर राहत के लिए कुछ चीज़ें मिलती थी पहले मार्केट में, जैसे एक कछुआ का टिकिया मिलता था, वो थोड़ा बहुत काम भी करता था। आज के ज़माने में मच्छर जो है उससे भी यूज्ड टू हो गए हैं, उन्हें आदत पड़ गई है। अब मच्छर का कॉइल आया गुड नाइट, वो हम जलाते थे, उससे कुछ मच्छर मरते थे, अब वो भी नहीं मरते हैं। अब हमने भाई अमेजोन पे देखा ये नेचुरल्स वाला गुड नाइट, ये लगाया, इससे भी मच्छर जो है यूज्ड होने लगा। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी जो देश में चल रहा है नेचुरोपैथी का जोर शोर, मुझे लगता है मच्छरों को ये इनफैक्ट पसंद आने लगा है। इसमें है नीम और यूकलिप्टस, लगा तो लिया मैंने, खुशबू भी जो है इसकी ठीक ठाक है, बर्दाश्त करने लायक है। जो और थोड़ा सीरियस वाला होता है, जो थोड़ा और पावरफुल होता है, उससे तो इंसान मरने लगते थे, इससे मच्छर नहीं मरते। मुझे लगता है मच्छरों को इसकी खुशबू और पसंद आती है, मच्छरों को भी नेचुरल्स पे भरोसा हो गया, तो वो जो है आके और प्यार से काटते रहते हैं। वैसा लगता है जैसे हम ही ने उन्हें निमंत्रण दिया, आओ भाई काटो हमें। अगर मच्छरदानी लगा लें जो अल्टीमेट इसका इलाज है, तो आप देखेंगे कि जब आप दुकान से मच्छरदानी खरीद के ला रहे हैं तो पहले से ही उसमें 2-3 मच्छर बाय डिफॉल्ट होते हैं। जिस तरीके से आप सैमसंग का फ़ोन खरीदते हो तो उसके साथ जो बगी जो उनका ब्लोटवेयर आता है अंदर, या किसी भी आप फ़ोन कंपनी का फ़ोन आज के ज़माने में खरीदिए, कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर डाल देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पसंद की नहीं है, तो मच्छर पहले से रहता है। लगा तो लोगे लेकिन उन मच्छरों को और बढ़िया जगह मिल जाती है आपको काटने के लिए, और सिक्योर हो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, बाहर से उनको कोई नहीं मार सकता, और रात भर आप सोते रहेंगे आपको वो काटते रहेंगे। तो भाई ऐसी हालत में इंसान करे क्या, ऐसे ही तबाह हैं। हर चीज़ की वैक्सीन निकल गई है, कोरोना की भी ऑलमोस्ट वैक्सीन निकल गई है, हाँ वो सबके पास है नहीं, लेकिन मच्छर का कोई वैक्सीन नहीं निकला भाई। मच्छर से भाई हमें जो है कुछ जो है राहत मिले इन मच्छरों से, कोई ऐसा वैक्सीन निकले या कोई ऐसी दवा निकले जो मच्छरों को जो है हमसे दूर भगाए। कुछ भी खाओ, नमक खाओ तब भी काटते हैं, चीनी खाओ तब भी काटते हैं, है कि नहीं? तो भाई किया क्या जाए, वेजिटेरियंस को भी काटते हैं, नॉन वेजिटेरियंस को भी काटते हैं, हर धर्म के लोग को काटते हैं। बड़ा ही सेक्युलर जानवर है मच्छर और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। तो भाई अगर आपके पास कोई इसका ठोस इलाज है तो मुझे बताइए, मैं बहुत तबाह हूँ, बहुत ही ज़्यादा तबाह हूँ। आप लोग इसी तरीके मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से हंसते रहिए, फिर मिलते हैं किसी अच्छे परफ्यूम रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।